जोग टीवी वसीब दी आवाज। अगर तुसा साढ़े चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुआडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा राबता नंबर तले पट्टी करबल विच देरा लाया है। शाह छोड़ के रोजा नाने दा करबल विच देरा लाया है। दिते पुत्र कुहा विच करबल दे नाने दा दीन बचाया है। लख चिट्ठियां कूफी भिजेंदे रे मौला नू कोल सदेंदे रे। लख चिट्ठियां कूफी भिजेंदे रे मौला नू कोल सदेंदे रे। उन्ना घर सदवा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन, तुसां रहदे पैवे झोक टीवी वसेब दी आवाज़, और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन, खूबसूरत प्रोग्राम घिन के हाजिर थी हाँ झोक दे अदबी रंग, और झोक दे अदबी रंग दे विच मेरे धरती दी, मेरे वसेब दी बड़ी खूबसूरत शख्सियत, बड़ा खूबसूरत हवाला। यकीनन अगर असा अदब की गाल करूँ, शायरी की गाल करूँ, तो बड़ा खूबसूरत नाम है अकरम कबीर हैदरी साहब मेरे नाल मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हाँ, आप दे नाल गुफ्तगू भी करे सूँ, आप दे कोल असा कलाम भी सुन सूँ, और आप दे कोल जिहड़ा शायरी का सफ़र है उनके बारे भी गलबात करे सूँ। तो नाजरीन, अगर तुसा सारे चैनल पर नवे हो तो सारे चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सबसक्राइब करे सो, क्योंकि झोक टीवी तुहाडे वास्ते प्रोग्राम घिन के आंदा है, और यकीनन एक प्रोग्राम वास्ते बड़ी सारी मेहनत होती है। तो नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करे ने हैं, और अपने मेहमान के नाल गुफ्तगू करे ने हैं, और उन्होंने को जानते हैं कि शायरी के हवाले नाल जिहड़ा सफ़र है वो कैसा गुजरा, और अजकल क्या करेंगे। पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रजन भाई। जनाब, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? सही, अल्लाह पाक दा करम से, रब दा एहसान। अपने हाल सुनाओ। अकरम कबीर हैदरी साहब, सब तो पहले तो असं तक झोक टीवी वसेब की आवाज़ के स्टूडियो के अंदर वेलकम आते हैं। सत बिस्मिल्ला जी आया को सजन आवेन अखी ठरन। और पहला सवाल, पहली गाल ये करे सूँ कि शायरी का सफ़र करण को शुरू थी और किमें थी? रिजवान साहब, गल इ कि 2010 मैं शायरी शुरू की थी, और सराकी वसेब के बहु नामवर शहर साद मोहतरम किबला शाकर शुजाबाद साहब की शागिर्दी इख्तियार की थी, क्योंकि मैं कबीर वाल रिहायशी हाँ पिया शाकर साहब बना तो जान शुजाबाद इन पै शाकर साहब बना वाल फरमाया पीर जाफर हुसैन हाशमी साहब इन पे साढ़े इलाके के उन्होंने पहले शागिर्द हैं। आपने मेरी जी ना बान आपके उन्होंने हवाले की थी 2010 तो लैके अज तक, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बहुत अच्छा लिखता पिया उसदा की करण आवाज जी, और पैंतन पाक के सदके नाल अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाई है। 2010 तो शायरी का सफ़र शुरू थिया, लेकिन हूँ 2022 12 साल क्या महसूस करें दे वे, और केड़ा पहला कलाम तुसा लिखा, और इस शौक तो किवें लगा? बस पहले पहल तो मैं मेरी वालदा साहबा वफात पा गई 2003 मतलब आस्ता आस्ता जिमें जिंदगी के दुख आते तबाजमाई करें दिया से कोई ना कोई चीज़ लिखनी, मतलब गुरबत दिहाड़िया गरीब लोग से मजदूर लोग से ऐसा ऐसा वो काम बदता गया बचता गया। वल पहले तो मैं कोई शागिर्द कोई ना करेंदा, वल छोड़ दिता दिली तौर से काफ़ी रंजिश हुई। उस बाद 2010 आके जिस टाइम असा शाकर शेबा साहब ने मिले उस उन्हें शागिर्द भी कर लिया, क्या थोड़े अंदर शायरी जी है ना वह भी तुम कर सकते हो, सलाहियत मौजूद है भाई, तो अज तक करें पे से अल्लाह पाक की मेहरबानी है। पहला कलाम कैड़ा लिखा अकरम भाई? मैं पहला कलाम जो लिखा ही वो अपनी वालदा के विसाल से मैं लिखा ही, उससे कुछ अल्फाज मैं याद हैं पे वदा रोंदा मैं हर वेले जुदाई माँ दी पई खावे, टुर गई माँ मैं रुल गया हाँ कोई मैनु तो गल आवे, किवें होंदा गुजारा है कदी उन्हों भी पुछ वेखो, बचपन में जेंदे सिर तू साया अमड़ी दा उठ जावे। वाह वाह, ये मैं पहला कलाम लिखा ही पिया। तो उस बाद वाल काफ़ी सारे कलाम लिखे पे, काफ़ी रिसालिया काफ़ी प्रोग्रामा भी शामिल हुए,
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਪਏ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਸੀਏ ਵੀ ਸਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਸੀਏ ਵੀ ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਸੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਚਾਹੀਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਮੁਸੱਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣ ਵੈਸੀ। ਗੱਲ ਬਣ ਵੈਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਿਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਵੈਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਤਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸੱਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਵੈਸੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂ ਅਤੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰਹਾ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕੋਝਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਮ ਕੋਝਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਏ, ਪਏ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਹਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲਾਂ ਲਜਪਾਲੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਰਮ ਦੀ ਇੰਝ ਖੈਰਾਤ ਏ, ਕੱਲ ਅਕਰਮ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਮ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਾਤ ਏ। ਕੱਲ ਅਕਰਮ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਮ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਾਤ ਏ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਡੋੜੇ ਮਾਈਏ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਨਾਖਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਤੈਅਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਜਨਾਬ ਅਕਰਮ ਕਬੀਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਲਾਮ ਕੋ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਦੇ ਪਏ ਉਸਨ ਕਿ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਫਤਗੂ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਤ, ਕੋਈ ਕਸੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਔਰ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾਇਆ, ਲਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੂਫੀ ਭਿਜੇਂਦੇ ਰਹਿ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਦੇਂਦੇ ਰਹਿ, ਲਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੂਫੀ ਭਿਜੇਂਦੇ ਰਹਿ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਦੇਂਦੇ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਸਦਵਾ ਕੇ ਸੈਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਾ ਤੇਥੀਂਦੇ ਰਹਿ ਬਰ ਜਾਮ ਸਬਰ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿ,
जेडे जुल्म सदात ते थींदे रे भर जाम सबर दा पींदे रे केडा औखा वेला करबल विच शाह सबरा नाल निभाया है केडा औखा वेला करबल विच शाह सबरा नाल निभाया है। वाह वाह कस गई पुत्रां दी जोड़ी है शावत भी नमाज ना छोड़ी है कस गई पुत्रां दी जोड़ी है शावत भी नमाज ना छोड़ी है इंज रखिया है सिर सजदे विच मुड़ अज ताई ना चाया है इंज रखिया है सिर सजदे विच मुड़ अज ताई ना चाया है के अक्रम है औकात मेरी साया आप बनाई गल बात मेरी के अक्रम है औकात मेरी साया आप बनाई गल बात मेरी बीबी जहरा पाक दे पुत्रां ने बीबी जहरा पाक दे पुत्रां ने मेरा सुतड़ा भाग जगाया शाह छोड़ के रोजा नाने दा करबल विच देरा लाया दिते पुत्र कुहा विच करबल दे नाने दा दीन बचाया। वाह 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 क्या बात है सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह शाह छोड़ के रोजा नाने दा ते बड़ा खूब लिखा है कहीं शायर ने कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त यजीज हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अकरम साहब कोई होर कलाम एक मन को बात पेश करें दे प्यास साइयां दी बारगाह दे विच मौला हुसैन पाक दी बारगाह दे विच मैं जड़ी खैरात मैंने मिली है ना मौला हुसैन पाक दे दर तो मिली है। वाह वाह सुभान अल्लाह मैं कोई शायर कोई ना मैं अपनी शायरी दे विच भी जा बजा जड़ा ना इस गल दा इजहार कीता है और इतराफ कीता है कि मैंने जोड़ा शायरी वाले पास मेरी जी कलम ताकत या जो अल्लाह पाक ने मैंने इज्जत दी है मौला हुसैन पाक का सदका उतो मैंने खरात मिली है। मैं एक होर कलाम पेश करें दा पिया देरा करबल है लाया हुसैन घर दा घर है लुटाया हुसैन देरा करबल है लाया हुसैन घर दा घर है लुटाया हुसैन किताए जे आ सजदा अदा किताए जे आ सजदा अदा सर जो रखिया ना चाया हुसैन घर दा घर है लुटाया हुसैन इको शबीर इब्ने अली इको शबीर इब्ने अली दूजा कोई ना आया हुसैन घर दा घर है लुटाया हुसैन कदी झुकना ना बातल अगो कदी झुकना ना बातल अगो सानू ए भी डसाया हुसैन घर दा घर है
लुटाया हुसैन। दीन नाना तेरा बच गया, दीन नाना तेरा बच गया, कर्ज ए जा चुकाया हुसैन, घर दा घर हे लुटाया हुसैन। चलो शाह साहब वेखो शेर दे विच मैं अपना हवाला दिता है। मैं अकरम कोई शायर तो नहीं, मैं अकरम कोई शायर तो नहीं, मैनू शायर बनाया हुसैन, मैनू शायर बनाया हुसैन, घर दा घर हे लुटाया हुसैन, डेरा करबल हिलाया हुसैन, घर दा घर हे लुटाया हुसैन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलातो वस्सलाम दे हवाले देना। अकरम साहब आखिर प्रोग्राम दे आखिर वाले पासे वेंदे पए, झोक टीवी वसेब दी आवाज़ पूरी दुनिया दे चीज़ टाइम डिठा वेंदा पी है, और क्या आखसो आखिरी पैगाम क्या दसो सारे नाजरीन को जेड़े सारे चैनल दे दें। मैं सारे वेखण वाले नूं इहो पैगाम दसां कि सच लिखो, सच बोलो और सच दा साथ देवो, और पंजा बारह दे दर दे इलावा कोई ऐसा दर कोई नहीं, बाकी जितने भी दर हैं वो इस दर के बेकारी हैं पे। मैं खुद 10 साल दर दर के धक्के खाते हैं, जदा इस दर ते आया ना इज्जत भी मिली है, शोहरत भी मिली है, दौलत मिली है, सब कुछ मिले है। मैं सारे दोस्तों नवे लिखारियों नवे नाथा हजरात ने गुजारिश कर सा मुखलिस होकर इस पेशे को पेशा ना बनाओ, कारोबार अकीदत नाल मुहब्बत नाल साईं दी हाजरी पेश करो और साईं खुद रंग ला दसन। बस मैं ये पैगाम देना था चाहता सारे दोस्तों बुजुर्गों को, अल्लाह पाक सारे दोस्तों हमेशा वस्ता रखे, और मैं जोग टीवी का शुक्र गुजार हाँ कि उन्होंने मैं नचीज़ को इस काबिल समझिया और अपने चैनल पर मैंने बुलाया, और मैं साइया की बारगाह अर्ज कर सा कि इस महफिल के दौरान कोई गलती गुजाई मेरे को यकीन इंसान है, साढ़े कोई गलती गुजाई हो सदका बीबी जारा सलाम उल्लाह माफ फरमेशन, अल्लाह पाक सारे दोस्तों हमेशा वस्त रखे, और अल्लाह पाक साढ़े मोहतरम किबला शाह साहब रिजवान हुसैन कलंदरी साहब ने हमेशा वस्त रखे, बड़ी इन्हों की काविश है पे और इन्हों का साया साढ़े सिरों पर कैम उदैम फरमा गए। जी नाजरीन बिल्कुल बड़ी कमाल की गल करते पैन अकबर अकरम कबीर हैदरी साहब आप आते पैन कि कलाम लिखो, मालकान के नाल मुहब्बत करो, रियाकारी ना करो, एक तजारत समझ के ना करो, यकीन इस दर पर जोड़ा शख्स झुक पैदा है वह कायनात का बादशाह बन जाता है, क्योंकि कायनात के बादशाह इस दर तो बनते हैं और इस दर के फकीर हैं। तो नाजरीन जुड़े रहो झोक टीवी वसेब की आवाज़ नाल, अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है, अगर तुहाडे नाल किसी किस्म की ज्यादती थींदी पई है, या तुसां कोई तुहाडे कोल टैलेंट है तो तुसां झोक टीवी ते आना चाहते हो तो थले पट्टी ते सारा नंबर चलता पियो सी, असां नाल राबता करे सो, असां बन सो तुहाडी आवाज़ और तुहाडे फन को, तुहाडे टैलेंट को और तुहाडी स्टोरी को पूरी दुनिया तक घिन के वेसूँ। तो नाजरीन असां क्योंकि हुण आखिरी पैगाम जी सही मैं सारे दोस्तों वेखण वाले ये गुजारिश कर सा कि अज तो पहले जो ना मेरा नाँ अकरम कबीर भट्टी सैयद बादशाह ने पाए ना हुक्म फरमाया कि अकरम कबीर हैदरी, अज तो मेरा नाँ भी अकरम कबीर हैदरी है भट्टी, क्योंकि साडा खानदान है पिया तो हैदरी मौला हैदर सरकार दे नाल साडी एक निस्बत है पई, असा मौला हैदर पाक नूं मन्नण वाले हाँ पाए, अज तो मेरा नाँ भी अकरम कबीर हैदरी है पिया। ये दोस्तों मैं जो एक पैगाम देना चाहता हूँ अकरम कबीर भट्टी, पहले मैं लिखता रह गया शायरी के हवाले नाल भी महफलों के भी आज तो अकरम कबीर हैदरी दा पिया, ये सारे दोस्तों मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल हैदर करार दे मनण वाला, अगर वैसे तो डिठा वजे तो हर शख्स जिहड़ा ला इला इल्ला मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ता है, नबी सरदार को मनेंदे और नबी दी अहले बैत को मनेंदे तो हर शख्स हैदरी है, क्योंकि असा नबी सरदार दा फरमान है कि मन कुन तो मौला फहाजा अलियुन मौला, ए लोगो जड़े जड़े लोग मेरे को अपना नबी मने दे, जड़े जड़े लोग मेरे को अपना मौला मने दे, मेरे बाद उन लोगों का अली मौला है। तो अगर असा उस फरमान को देखो तो सारी दुनिया के जितने भी लोग कलमा पढ़ने वाले लोग हैं वो सारे के सारे हैदरी हैं। तो नाजरीन जुड़े रहो झोक टीवी वसेब की आवाज़ नाल, अपने मेज़बान अपने नौकर रिजवान हुसैन को ई शेर के नाल दसो इजाजत कि तू मेहनत कर मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख जा
हवा जाने खुदा जाने। अपनी मेहनत गुजारी सारी रखो, मेहनत करेंदे रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हक ना हक नहीं तो आपको जरूर बख्त लेसी। तो नाज़रीन जुड़े रहो झोक टीवी नाल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो।